जब हमको खाने के लिए दी तब तक आके मेरी बेटी बताई कि पापा इसमें कुछ मिलाया है सो मत खाइए, ठीक है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में सेल्फोस आया, बैड एलिमेंट सब बड़े बड़े दबंग लोगों के सानिध्य में है, कभी भी कोई घटना करवा सकती है। भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राजद नेत्री निशु सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज दोपहर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। फरवरी 2018 में घरेलू कलह में राजद की महिला जिलाध्यक्ष के द्वारा पति बाजेश कुमार सिंह को खाद्य पदार्थ में सल्फाज देने की कोशिश की गई थी। इसी कड़ी में बाजेश द्वारा निवर्तमान डीआईजी विकास वैभव को लिखित शिकायत की गई थी और नेत्री की बेटी के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था। इनके पति द्वारा निवर्तमान एसएसपी आशीष भारती से भी गुहार लगाई गई थी। निवर्तमान एसएसपी द्वारा जांच में मामला सही पाया गया, बकायदा इसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। बीते एक साल से पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। पति द्वारा पुलिस पर लगातार गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा था। नए एसएसपी बाबूराम के आने के बाद उन्होंने त्वरित मामले की जांच की और राजद नेत्री निशु सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, जिसके बाद आज पुलिस ने नेत्री को गिरफ्तार कर मेडिकल व कोविड जांच करवा कर न्यायालय में पेश किया। पति बाजेश ने बताया कि फरवरी 2018 का मामला है, एक दिन वो हमको खाना दी तो मेरी बेटी बोली पापा खाना मत खाइए, इसमें कुछ मिलाया गया है, तो मैंने खाना नहीं खाया। पत्नी से पूछने पर बताई कि जोंक की दवाई बैंडी प्लस है, जब फोरेंसिक जांच करवाया तो सल्फास निकला। पति बाजेश ने कहा कि वो महिला दबंग है, मुझे बेटा और बेटी भी है, उसके लिए हम ही सब कुछ है। मैं एक रात खाना बना था, जब हमको खाने के लिए दी तब तक आके मेरी बेटी बताई कि पापा इसमें कुछ मिलाया है सो मत खाइए, तो हम छोड़ दिए खाना और थाना को खबर किए। थाना आकर के वो ले गया, जांच में भेज दिया। फिर हम उसको पूछे कि उसमें क्या था, तो बोला कि बैंडी प्लस जोंक का दवाई था, उसी को पीस के मिलाए था, उसका वीडियो है मेरे पास। तो हम बोले ठीक है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में सेल्फोस आया। उसके बाद इसको अरेस्ट करके ले गया था 20 नवंबर 2019 को, लेकिन अपने पहुंच से उस समय के डीआईजी जो थे उनके कहने पर छोड़ दिया। तो फिर हम मिले थे डीएसपी साहब से भी, तो उन्होंने कहा क्या करें, हमारे लिए कानून से ऊपर होता है डीआईजी का आदेश। और तब से दो साल तक यूं ही पड़ा रहा और हम लोग बहुत पीड़ित और प्रताड़ित थे, इतना भय और आतंक में जीते थे ना। हम तो फेसबुक नहीं चलाते हैं, लेकिन लोग कहते थे बहुत बैड एलिमेंट सब बड़े बड़े दबंग लोगों के सानिध्य में है, कभी भी कोई घटना करवा सकती है। तो नए एसपी के आने के बाद हम एक दिन जा कर के मिले और देखे, आज हम निकल रहे थे तो देखे पुलिस आई ले गई पकड़। बहुत दबंग लेडी थी, घर में बगल में मैके है, सारे लोग आ कर के मेरे घर में रहते थे। साला जो इसका भाई भी था ना, वो भी मेरे ही घर में रहता था, सारा परिवार आ करके। हम एक दिन बोले कि इस तरह नहीं चलेगा, यहाँ सब खाली करो, तुम लोग का अच्छा नहीं। वो पीता खाता था, हम लोग एक रिजनेबल फैमिली से थे, मेरे दादा भी मंत्री थे, तभी से हम लोगों में खटपट चलने लगा मन मुठाव। लेकिन इतना दूर तक सोच लेगी कि हम कभी सपनों में नहीं सोचे थे। जांच आने से पहले तक हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद कुछ मौलवी उलवी से पढ़ा के लिया हो, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आया तब जान के लगा कि कितना खतरनाक था, ये सेल्फोस था। कि ये का सजा मिले, दो दो बच्चे हैं हमारे जिसको हम 5 साल से अकेले रखते हैं, बेटा माउंटेन सीसी में पढ़ता था, बेटी कारमेल में, दोनों अब 5 साल से मेरे ही पास रहता है, हम ही उसका माँ है, हम ही उसका बाप है।